जय गडारिया व्रत दोस्तों, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, आज से मैं जितनी भी नई वीडियोस बनाऊंगा उन सभी में मैं अपना नया स्लोगन जो है जय गडारिया व्रत बोला करूंगा, क्योंकि फ्रेंड हमारा जो गद्दी गडेरिया समाज है वो अनपढ़ है अभी इस समय। और 10, 20, 50, 100, 2, 3000, 4000, 1 लाख लोगों के पढ़ने से समाज जो है वो पढ़े लिखों की गिनती में नहीं आएगा। लेकिन ये भी बात सही है कि ये गद्दी गडेरिया समाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है पढ़ाई लिखाई में, लेकिन कंपटीशन लेवल की पढ़ाई में नहीं आ रहा है आगे। लेकिन फिर भी जो रफ्तार है वो बहुत पिछड़ी हुई है, लेकिन फिर भी ना करने से तो कुछ ज़्यादा बढ़िया बेटर है करना। तो फ्रेंड, ये जो मैं गडारिया व्रत जो मैं आपको ये वीडियोज़ में बोल रहा हूँ, तो फ्रेंड हमारे इससे इतिहास जुड़ा हुआ है। क्योंकि फ्रेंड देखिए, जो बहुत से इतिहासकार हैं उनका कहना है कि जो आर्यन लोग थे वो बाहर से इंडिया में आए थे, ईरान की तरफ से या पर्शिया की तरफ से या यूरोप की तरफ से। तो फ्रेंड बहुत से लोग बोलते हैं कि जो आर्य थे वो इंडियनिस थे। तो फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी है, लेकिन फिर भी जो विश्व के जो ज़्यादातर इतिहासकार हैं वो यही मानते हैं कि जो आर्य थे वो बाहर से इंडिया में आए थे। इसलिए फ्रेंड जो ऊपर उत्तर भारत के लोग हैं उनके नाक नक्शे दक्षिण भारत के लोगों से अलग हैं। जो दक्षिण भारत के लोग हैं उन्हीं को ही भारत का मूल निवासी माना जाता है। तो फ्रेंड आगे देखते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, जो आर्य थे वो अपने साथ भेड़ बकरियां भी लाए थे, इसलिए उनको गडारिया भी बोला गया। ठीक है, तो गडारिया का मतलब क्या है फ्रेंड कि, और जो अपने साथ भेड़ बकरी रखकर गडरिया लोग आए थे। तो भारत में फ्रेंड आपको जानकर हैरानगी होगी कि भारत में कोई ऐसी जाति नहीं है जिसकी जाति में आर्य आ रहा हो। ठीक है, आर्य सिर्फ वर्ड एक गडरिया जाति में आता है। तो फ्रेंड भारत में जितनी भी जातियां हैं वो सभी अपने आप को आर्यों से निकली हुई बताती हैं। तो फ्रेंड जो गडरिया लोग हैं वो इन सभी जातियों के बाप हैं, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो जातियां हैं वो इसी आर्य सबकास्ट में से निकली हैं। और आर्य जो है फ्रेंड, आप जानते होंगे कि आर्य अपने साथ भेड़ बकरी लेकर आए थे, तो इसीलिए उनको गडारिया बोला गया। तो बहुत से लोगों ने, ब्राह्मणों ने बहुत हमारे साथ इतिहास में बहुत खराबियाँ गलतियाँ की हैं, उन्होंने सिर्फ आर्यव्रत बोला भारत को, जबकि भारत का नाम होना चाहिए था गडारिय व्रत। तो आप जब भी अपना स्लोगन वगैरह लगा रहे हैं, कोई प्रोग्राम वगैरह कर रहे हैं, बैनर छपवा रहे हैं, तो फ्रेंड इस दुनिया की नज़र में आने के लिए आपको जय गडारिय व्रत लिखना होगा। ठीक है, आपकी जितने भी ब्राह्मण लोग हैं, राजपूत लोग हैं, उनको इससे एक ठेस पहुँचेगी, उनको लगेगा भाई ये नई चीज़ क्या है गडारिय व्रत। तो आपको एक्सप्लेनेशन करने का मौका मिलेगा। आप खुद भी एक्सप्लेनेशन ना करें, जब वो इतिहास की किताबों को खोल के देखेंगे कि हाँ भाई भेड़ बकरी चराते हुए गडारिया भारत में आए थे, और संस्कृत भाषा को गडरियाओं का गीत भी कहा जाता है, ये भी बहुत से लोगों ने सुना होगा। इससे पहले अंग्रेज जो है भारत को गडरियाओं और सपेरों का देश बोलते थे। इसके साथ साथ अभी बाबा रामदेव ने भी कुछ ऐसे ही कोई एक टिप्पणी की थी जिस पर उन्होंने बोला था कि अभी ये भारत देश जो है वो गडरियाओं का और सपेरों का देश नहीं है, जबकि ये अच्छे पढ़े लिखे लोगों का देश है। तो फ्रेंड देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ आता है। तो फ्रेंड आप इस जाति के जो दबा हुआ कुचला हुआ इतिहास, उसको दोबारा जगाने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए। और अपने किसी भी जो आपका प्रोग्राम वगैरह हो रहा है, कहीं भी प्रोग्राम वगैरह हो रहा है आपका, उसके बैनर पर आप जय गडारिया व्रत जरूर लिखाएं। थैंक यू फ्रेंड।